साल से कमर में दर्द था, वो कमर के दर्द खत्म नहीं हो रहा था, दवा खाती थी, इंजेक्शन लगाती थी, फिर भी दर्द खत्म नहीं हो पा रहा था, उठ बैठ में बहुत ज्यादा दिक्कत होते थे। जैसे आपने प्रोपोसी कर रहे थे कि देखो जहां भी दर्द है चेक करो, दर्द खत्म हो रहा है, उसी समय में बहन चेक किया, इनके 10 साल के दर्द से अभी आजाद हो चुकी है बहन। आप सब अपना अपना सूजन दर्द पथरी गिल्टी जहां जहां है चेक करो, कहां है दर्द चेक करो, दबाओ उसको और चेक करो और प्रभु की महिमा में कुछ हालेलुया जी। प्रभु जी, ये बहन 1 साल के दर्द से आज कमर के दर्द से आजाद हो चुकी है बहन। देखो देखो शुरू हो गया, लोग ठीक हो रहे हैं अब। हालेलुया 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 जी। प्रभु जी, 1 साल के दर्द से पेट से और कमर के दर्द से आजाद हो चुकी है बहन। सुनो, अपने गर्दन चेक करो, अपने हाथ चेक करो, अपने मुड़ी हिलाओ और कमर को दबाओ, चेक करो, अब जहाँ हो वहीं पर आजाद हो रहे हो। वो बड़ी कुदरत की वाणी है, आवाज हो तेरी बहन को 1 महीने से सांस फूलता था, सीने में दर्द था, अभी अभी आपने प्रोपोसी किया, वो दर्द और सांस फूलने वाली आत्मा छोड़कर चली गई है। अगर आप ठीक हो गई है तो एक ही बात बोलना है, अभी कैसा लग रहा है? सच्चा हो गया पापा जी, अभी सच्चा हो गया, सच्चा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो हालेलुया यीशु ये बहन बता रहे कि लेफ्ट कान से 6 महीना से दर्द था, 6 महीने में गर्दन में दर्द था, लेफ्ट कान में दर्द था, कान में दर्द था, कान में दर्द 6 महीने से दर्द था। हाँ। आपने प्रोपोसी किया, ये बहन रिसीव किया, 6 महीने के दर्द से आजाद हो चुकी है। हाँ, पीछे पीछे गवाही क्या है, क्या गवाही? हालेलुया हालेलुया, ये बहन अपनी गवाही खुद को देंगे। क्या हुआ? 4-5 दिन से मैं बहुत परेशान रहती थी और मेरा पानी भी नहीं घोटा पा रहा था। हाँ, गला में हाँ, अब मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा दर्द बहुत हल्का हो गया है। दर्द हल्का हो गया, पानी पी पा रही है। बोल जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो। 3 महीना से घुटने में दर्द था, पैर में दर्द था, जो उठे बैठने चलने में बहुत दिक्कत होता था। हाँ। आपने प्रोफेसी किया, बजनी शेप किया, अभी दर्द आजाद हो चुकी है बहन। अभी उठ बैठ के देख, हो ताली बजा बजा यीशु मसीह के ताली बजा, ताली बजा सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। ये बहन सुनो, बता रही है कि आप आनंदित होते जाओ। ये बहन बता रही है 1 साल से मेरे पेट में दर्द था, पेट में दर्द था 1 साल से। हाँ हाँ। और दवा कराती थी, कहीं आराम नहीं होता था। हाँ। अभी अभी आप सबके लिए प्रेयर किए, बहन रिसीव किए। हाँ। ये अपने दर्द से बिल्कुल आजाद हो रही है। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? तेरे 3 बच्चे भी ब्लेस हो जाएंगे, बोल आमीन। जी प्रभु जी, ये बहन के बहुत बड़ी गवाही है, मैं बता रही हूँ। 1 साल से ये बेल्ट लगाई थी, बेल्ट लगा के चलती थी, 1 साल से कमर में बेल्ट लगाई थी, जो कमर का 5 नस बंद हो चुका था। और ये बहन बता रही कि उसे घुटने में पैर में कमर में काफी दर्द था, जो उठ बैठ चल नहीं पा रही थी। आपने प्रोपोसी की है कि चेक करो अपना परेशानियां जा रहा है, उसी टाइम चेक किया, बेल्ट खोल के चेक किया, प्रभु जी अभी दर्द नहीं है, नस खुल गया है। सुनो, दौड़ के दिखा, दौड़ के दिखा, जय बोलो जय हालेलुया। क्या हुआ, क्या बहुत बड़ी गई,
डालिया आगे दिखा आगे दिखा आगे दिखा। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह, जय बोलो। हालेलुया जी प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही एक साल से घुटने में दर्द था। सुनो सब अपने अपनी बीमारी चेक करो, गिल्टी चेक करो, सूजन चेक करो, पथरी चेक करो, चेक करो, दबाओ अपने बॉडी को, चेक करो चेक करो। हाँ ये इसको क्या हो गया था, कौन इसके साथ में क्या हो गया था, कौन इसके साथ में दौड़ गया दौड़ गया। हाँ खड़ा 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 स्टैंड अप स्टैंड अप। हाँ इधर कर दे, क्या हुआ क्या हुआ, कौन है? मैं से हाँ हाँ बोल। इना सुई लगवावे घर आली अथी में ए लखनऊ, आ तबे से इनकरी पर फूल गए, आ कैंसर की तरह हो गई बा, निकड़ा सुई से मवाज कई बार निकड़ा गई, आ उ मवाज बना के ये कब से लेटी है, कब से चल नहीं पाते, कितना दिन, 3 महीना से ऐसी पड़ी है, बांधे ऐसा कर काला धागा मत बना, बांध इसके काला पूरा कपड़ा ही पहन है कि ना हो, एक धागा से क्या होगा। देखो पैर में काला धागा बानी है, उसको विश्वास है काला धागा ठीक कर देगा, लेकिन अगर एक धागा बानी है मैं कह रहा हूँ काला कपड़ा पहने का घुमाओ, कभी नहीं शैतान छूएगा ना। जितने जादू टोना तंत्र मंत्र किया जाता है, जितने जादू टोना होता है सब काला धागा पर होता है, इस बात को ध्यान रखना। कोई लाल धागा इस्तेमाल नहीं करता है, व्हाइट धागा इस्तेमाल नहीं करता है। आप सुखैती कराते हो बोलते हो काला धागा लेकर आना, आप समझ रहे कि नहीं? तो काला धागा पर जादू टोना लगता है, खत्म नहीं होता है, आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए ध्यान दो। देखो ये काला धागा पहनी है और चल भी नहीं पा रही है, 3 महीने से सोई है, लेकिन परमेश्वर इसके ऊपर बल दे रहा है। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह, जय बोलो। ओ मुक्ति दाता, शांति दाता, मुक्ति दाता। इसका पैर देखो कितने इंजेक्शन लगे, अपना माइक बंद कर दो, कितने इंजेक्शन लगे, पूरे मवाज हो गया। देखो अभी पैर इसका सूजा हुआ, कैच कर कैमरा में, यूट्यूब पर लोग देख लेंगे। देखो ऑपरेशन हुआ था, क्या बोला ऑपरेशन हुआ था, क्या बताया डॉक्टर साहब, क्या बताया आपको डॉक्टर साहब? एक बात ही गई लल हवे, ऑपरेशन भइल लल। हां तो ठीक, एक पट्टी बदलात बदलात अब 1 महीना हो गई बाबा, ऐसे पड़े रहती है कोई काम नहीं करती है, नहीं उठी नहीं जाता, खड़ा नहीं हो जाला, उठी ना जाइला, खड़ा ना हो जाइला। अच्छा तो ठीक हो जाएगी तो प्रभु गीत गाएगी नाचेगी, प्रभु इस पर रहम कर, इसका दर्द ले ले, दुख ले ले, सुख दे दे यीशु के नाम में, आमीन। इसको सीधा कराओ, चेक कर सीधा करा के, चेक करा चेक करा चेक करा। तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, जीवित परमेश्वर के लिए बड़े गवाही के लिए बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो बस एक कदम, ताली आपकी रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजाते रहिए परमेश्वर की, ताली बजाते रहिए हो गया, इस बड़े छुटकारा के लिए ताली बजाते रहिए। खड़े रहने दो, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, खड़ा को देख खड़ा को देख खड़ा को देख खड़ा को देख, मंडर 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 मंडर। देखो इसका पैर बिल्कुल टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया इसलिए नहीं चल पा रही है, लेकिन परमेश्वर तेरे को शक्ति दे दिया है, तेरे को शक्ति दे दिया है, खड़ा हो गई देख। जय बोलो जय बोलो जय बोलो की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो। हाल से इनके ऊपर तेल लगाना अभिषेक वाला,
पैर में रोज तेल लगाना, आज से ये ठीक हो गई, अगले महीना ये चल के मेरे पास आएगी। आप बाकी गवाही लेंगे हम लोग, आराम से चलाओ बेटा इसको, अभी गोद उठा लो, कोई भी ऐसा कोई तगड़ा आदमी आ जाओ, इसको थोड़ा आराम यहाँ यहाँ रखो। जी प्रॉफिट जी, एक बहन बता रही है, ये सब गवाही है। जी प्रॉफिट जी, सारे गवाहियां हैं जो अभी प्रार्थना आपने की है उसमें। हटा बेटा जल्दी से, सबको भेज, सबको भेज, सबको भेज। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करे था, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करे था। कोई मर्द आदमी इसको नीचे उतरवा बेटा, अनिल बेटा इसको नीचे बैठ, इसको इसको थोड़ा सा नीचे उतरवा दो, तब तक इनके गवाही ले लेते हैं। ऊपर से पूरी नाच जाता है जब मतलब काम करने तो मुंह खारिए गिर जाए। शॉर्ट कट में आपको पैर से चला ठीक पाए, अभी दर्द नहीं है? नहीं अभी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तू बताओ, तू बताओ। मेरे पापा जी ये गवाही है, मेरा पेट में इतनी इतनी बड़ा पथरिया हुआ था, हां वो बहुत दर्द किया था। आप लोग जब प्रार्थना, पापा जी 3 साल से पथरी था तो दर्द था, तो आज ठीक हो गया। अभी दर्द नहीं है? ओके ओके ओके। तुरंत बजाओ। मैं पापा जी प्रार्थना करना ना था, इतना का दर्द ठीक है, कमर ठीक हो गया। बोखार पेट में कमर में दर्द रहा, अभी रोशनी के नाम से ठीक जी। प्रभु जी अपने प्रोफेसी की रोशनी की बीमारी, रोशनी को देखो, मैंने रोशनी का नाम लिया। और देखो करिए पापा जी, 2.5 महीना से मैं बड़े परेशान थी, करिए आपने रोशनी नाम लिया, मैंने चेक किया, मेरा बीमारी चला गया। हालेलुया, ताली बजाओ दो। गर्दन में दर्द हो रहा था जब पापा जी इन पर गिरे थे। हां ऐसे जबरदस्ती ना चढ़ाओ, नीचे भी ले लूंगा का भाई। हां अभी ठीक है, ओके नेक्स्ट। फटाफट दोनों पैर में दर्द रहा लगा, आपकी प्रार्थना बोले तो सही हो। ओके ओके नेक्स्ट। हमर 10 साल से पेट में दर्द रहता है, सवेरे से ज्यादा रह लगे, अभी के ठीक हो गए। ओके ओके नेक्स्ट। हमारा जो है ना यहाँ दर्द बहुत 10 साल से हो गया था। ताली बजाते रहो, ताली बजाओ, ताली ताली जो बजेगा आएगा उसका घर में गवाही आएगा। 6 महीने बचदानी, ये देखो मैंने किसी के सर पे हाथ नहीं रखा, गवाही देखो आप देख रहे कि नहीं। हाँ फटाफट फटाफट। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु बोलो क्या जैसे उतरल आराम थोड़ा मिलता और कुछ परेशानी बाटे की? ओके ओके। पूरा शरीर में 8-9 साल से दर्द है, अब आराम है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। फटा हम जब से मैं रानी नहीं रानी ना तो हमार दू गो बाबू इंस्पायर हो गए लो, और जब से मैं बानी तब से दू गो बाबू एक गो बहनी बढ़िया से बालो। ओ पापा जी, हमारे भतीजे का बीएफआर से बुखार था, डॉक्टर के पास ले गए, बोल रहे हैं डेंगू का असर है, हम बंद यहाँ पर लेके आए हैं तो बुखार सही है। ओके नेक्स्ट। 9 साल से हमको बड़ी कमर में पैर में बहुत दर्द हुआ है, दवाई कराते कराते थक गया मैं, बस यहाँ से प्रार्थना कराते हैं, जाते हैं घर प्रार्थना बस ठीक है। ओके पापा जी, हमारे गैस बनाओ था, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहा लगा, प्रार्थना आप कर ली, हमारे कमर का दर्द पेट का दर्द सही हो गए। हमारे जो चचेरा भाई है उसको एक्सीडेंट हुआ है, वो गोरखपुर में भर्ती था, तो इसलिए मैं प्रार्थना किए थे कि हे पिता परमेश्वर दयालु प्रभु, हमारे बच्चे हमारे चचे को बच्चा है वो सही हो जाएगा, आपके पास गवाही लेकर आएंगे। और दूसरा गवाही है कि जो हमारे पटीदार था वो दयादिन थे, तो हमारे बेटे को बुखार लगा हुआ है, तो उसी समय में दवा नहीं है, रात के समय में बुखार लगा है, तो मैं सोचूं कि कहाँ लेकर उसको जाएंगे। तो एक दयादिन थी उसके पास तेल शौर्ट पानी बल्ला कर लगाए थे। हाँ। वो बिल्कुल चंगे हो गए, सबको जय हो। पूरा चीज पूरा गोड़ा चीज नट होता है, कटता है, नहीं ठीक होता है, साल भर दिन हो गई नहीं ठीक। अभी क्या गवाही है ये बता, अभी गवाही अभी क्या ठीक हुआ है? गोड़ा खाली झिझना तो का गवाही देती है। हमारे पापा जी हमारे एक ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट।
रात भर बहुत पेट में दर्द रहा है, तबो रहा है, फटाफट कर बेटा जल्दी से और तेज से। दिमाग चलत नहीं रहा, एक माइक और इधर से ले लेते फटाफट, में बाजे का आवाज सुनाई दे लागल। ओके ओके, हमारे भाई पैर चल ना जात अभी पैर ठीक है, कपार भारी पापा जी प्रार्थना कोई नहीं पैर में दर्द रहा तीन चार महीना से अभी देखो आपके सामने मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन इतनी गवाहियां अभी आया इसका मतलब प्रभु ने छू लिया। सर भारी था अभी प्रार्थना हुआ ठीक हो गई। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरे घुटने में दर्द आ रहा ठीक हो गया है प्रार्थना। परमेश्वर के कृपा से 6 साल से कमर में दर्द था और पेट में सही हो गया है परमेश्वर की कृपा से। यीशु मसीह की जय। गोड़ में दर्द है पूरा शरीर में सब ठीक हो गया है। ओके से खड़ा ना बोल जाता लवन कंटे पाए थी बोल तो ठीक हो गए। बहुत दिन से हमारा पैर में कमर में दर्द रहा मैंने सब पूरा देह में बन ठीक हो गया। ओके हां, पेट में क्या हो गया था? गांठ थी, गांठ गांठ थी। ओ देखो ये बुजुर्ग का आदमी बोल रहे करें मेरे पेट में गांठ हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था, कह रहे थे अभी मैंने छुआ चेक किया गांठे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक हो गया है। ताली बजा दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पूरा देह में दर्द रहा। हाँ गुरु जी प्रार्थना कर लो पूरा दर्द एकदम ठीक हो गया। हालेलुया कभी आए करो मुस्कुराया करो। मुझे काफी सालों से मुझे कोर्ट केस लड़ा रहे थे, उसका खर्चा इशू हुआ था 2.5 लाख। मैं यहाँ से प्रार्थना करा के गया, काफी विश्वास रखा था, प्रेयर भी करता था और पापा जी ने प्रार्थना किए थे कि जाओ ब्लेसिंग मिलेगी। आज 2.5 लाख रुपए में मात्र मुझे कोर्ट ने 10,000 रुपए देने का आदेश दिया है, ये पक्की नकल है। मैं बहुत इनका मैटर समझे नहीं होंगे, इनके पत्नी इनके ऊपर केस कर दी थी और ऐसा केस की कि 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा और ये बहुत परेशान थे। मेरे पास आए कहे कि इतना पैसा मेरे पास है नहीं, मैं कहां से दूंगा। देखो मैंने प्रार्थना किया, इनको भेजा, कह रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दे दिया अब 2.5 नहीं मात्र 10,000 देना है, लेना है तो ले नहीं तो भाड़ में जाए। और ऐसा ऐसे पत्नी को तो सजा मिलना चाहिए। और उसके बाद लेकिन अगर अगर आप पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपको सजा मिलना चाहिए, ये भी बात है। ये नहीं कि सिर्फ पत्नियों को मिलेगा, अगर आप अपने पत्नी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं तो प्रभु माफ नहीं करेगा। अगर आप अपना आपके पत्नी आपके साथ नाइंसाफी कर रही है तो उसको भी माफ नहीं करेगा। जाओ मिलजुल के रहो, परमेश्वर ब्लेस करे, मिठाई बंटवा दो। हाँ हाँ, क्या क्या गवाही है, क्या गवाही है? हालेलुया की हो गई थी। हाँ, और कोई बेटी नहीं थी। हाँ, कोई बेटा नहीं था। ये इनके सास लगी, ये जो है ये आती रहे, ये कहीं कि बहू वहां चलो तुम्हें बेटा मिलेगा। इसके पास 2 बेटी थी जी, बेटा नहीं था जी। और पहली बेटी 10 साल की हो गई थी, 10 साल की बेटी है जी। हाँ, और कोई बेटा नहीं था। ये जो है यहाँ बुला के लाई उनको, लाने के बाद पापा जी जो हर शुक्रवार को महीने की लास्ट में जो बच्चे के लिए प्रेयर करते हैं, ये बहन प्रार्थना कराई, आज ये बहन बेटे के साथ ब्लेस हुई है। तेरे पास 2 बेटियां थी, 2 बेटियां थी, तेरे पास बेटा नहीं था नहीं। और तू प्रार्थना करके गई कि मुझे बेटा हो जाए, तेरे को बेटा हुआ है। ये देखो ताली बजना चाहिए कि नहीं? जिसके पास बेटा नहीं था परमेश्वर ने बेटा दे दिया, जिसके पास बेटा नहीं है उसको बेटा मिलेगा। 5 बेटियों के पास बेटा मिलेगा, 5
सात बेटियों के बाद बेटा मिलेगा, गवाही आएगा। ताली बजाओ इसके लिए जोर से। मैं पहना दो माला फाला कुछ भी लाओ। सब तालियां बजाओ लंबा, सब तालियां बजा बजा। हालेलुया। बोलो 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 खुशी। दो बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ, ढाई ने इसके पास बच्चा। और पहला बेटी सुनो 10 साल के हो गई थी। कितने साल के बाद बेटा पैदा हुआ है, मिला कि नहीं? yes. आपको चाहिए कि नहीं? yes. कितने को चाहिए? मतलब बच्चा सिर्फ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा, है ना? लेकिन सच्चे दिल से मांगना। सच्चे दिल वालों को यीशु सुनता दुआ। सच्चे दिल वालों, हालेलुया। जीत प्रभु जी, ए बहन का नाम प्रीति है और घर परसा सिरिसिया है। और ए बहन के 3 साल शादी का हो गया था, कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। और हर मंथ में जो लास्ट शुक्रवार को आपने प्रेयर करते थे, उस बहने आई यहाँ पे आई और आपसे लहन प्रार्थना करा गई। अभी ये बहन गवाही में लिखो, ये 5 महीने से प्रेग्नेंट है। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। कोई बच्चा नहीं था, एक बच्चा नुकसान हो गया था, बच्चा हुआ था मर गया था, उसके बाद कोई बच्चा नहीं था। और अभी भी कोई बच्चा नहीं है, लेकिन प्रार्थना करा के गई, अभी तो प्रेग्नेंट है। कितने महीने का? 5 महीने के। कितना खुश है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद मुस्कान आने वाला है। हालेलुया। मुस्कान, मुस्कान को जानती है? मुस्कान को, मुस्कान, हाँ, किसी को मुस्कान को जानती है? नहीं, नहीं जानती है। किसी मुस्कान को नहीं जानती है? किसी का नाम मुस्कान है? मेरे गाँव में। गाँव में है? कितने दूर है? मेरा नैयर है। नैयर है? हाँ। कितना दूर है नैयर से? दूधाई है। हाँ? दूधाई है मेरा। नहीं, नहीं, नैयर से कितना दूर है मुस्कान का घर? बहुत दूर है। कितना दूर है वो? तेरे घर आई है कभी? मुझको मालूम नहीं। पूनम के लिए प्रार्थना करना। तुमको ही रोड से आई है। इन बहन की ये गवाही है कि इनकी जब डिलीवरी था, डिलीवरी होने वाला था, इनका ब्लड नहीं बन रहा था। जब ब्लड नहीं बन रहा था, इनके पति यहाँ आए, आने के बाद से आपसे ले प्रार्थना करा के गए, इनका ब्लड बनना शुरू हो गया। जब डिलीवरी का टाइम आया, ये हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो यहाँ का पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर का नंबर है, जब यहाँ से फोन किए और जब यहाँ से प्रार्थना हुआ, नॉर्मल बेटा पैदा हुआ। अभी नॉर्मल हुआ? देखो, नॉर्मल हुआ लेकिन मोटा हुआ, तगड़ा हुआ भाई साहब। देखो, परमेश्वर देता तो तगड़ा ही देता है। परमेश्वर आशीष देगा, तगड़ा ही देगा। चाहिए कि नहीं? तगड़ा चाहिए कि नहीं? अगर किसी लड़का का शादी नहीं हुआ है ना, उसका पत्नी तगड़े मिलेगी। लेकिन चिंता नहीं करना, अच्छा मिला। हाँ हाँ, ताली बजाओ, ताली बजाओ ईश्वर के लिए जोर से। जाओ 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 जाओ। हाँ, क्या गवाही है?